तो चलिए आज के हम इस वीडियो में क्लास 7 का प्रश्नावली 5.1 को देखेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यदि आप इस प्रश्नावली को देखने से पहले इसका जो फार्मूला है, थ्योरी है, नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसको पहले प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको प्रश्नावली 5.1 समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बिना देखे भी समझा दें, लेकिन आप यदि देख लेते हैं तो फिर तो आपको कोई ऐसा कोई है ही नहीं सकता है कि मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। 100% समझ में जाएगा जब आप थ्योरी देख लेंगे, तो नहीं भी देखेंगे तभी भी समझाने की कोशिश मेरा 100% रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 5.1। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। अब पूरक क्या होता है भाई साहब? पूरक 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। आइए हम इसमें तीन क्वेश्चन दिया गया है और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है? बहुत इजी है, बस ध्यान से आप लोगों को देखना है, ओके? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये जो हम लाइन बनाए हैं यहाँ पर 20 डिग्री का दिया हुआ है, लेकिन देखिए बुक में थोड़ा अच्छे से दिया रहता है, हम बिना परकाल से ऐसे मतलब हम कलम से खींच लिए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको परकाल से खींचिएगा। यदि नहीं खींचना आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बता देंगे, ठीक है? ऐसे कोई मायने नहीं रखता है, एग्जाम हॉल में लेकर जाइएगा तो उसको बढ़िया से बनाना पड़ता है, ठीक है? तो देखिए हमें तो मेन क्वेश्चन है कि पूरक ज्ञात करना, इसका इसका पूरक कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले देखिए ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पूरक के बारे में समझिए। पूरक कोण जो होता है, ठीक है, पूरक कोण होता है 90 डिग्री का। पूरक कोण कितने का? 90 डिग्री का होता है, ठीक है? ये क्या है? आपको पहले से दिया गया कोण है, दिया गया कोण है, ओके? पूरक कोण कितने का? 90 डिग्री का, जो कि दिया गया आपका कोण है। तो पहला है इसमें से, पहला है कितने डिग्री का पूरक कोण है? 20 डिग्री का। 20 डिग्री का पूरक कोण, 20 डिग्री का पूरक कोण। तो 20 डिग्री का पूरक कोण मतलब देखिए हमें पता है कि पूरक कोण तो 90 डिग्री का होता है भाई साहब, 90 डिग्री, और ये 20 ही डिग्री का है, तो इसका क्या हो जाएगा पूरक कोण? इसको माइनस करेंगे कितना? 90 में से 20 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। यानी जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? 70 डिग्री। 20 डिग्री का पूर्ण कोण कितना आएगा? 70 डिग्री का। दूसरा यह है 63 डिग्री का, 63 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण क्या हो जाएगा? कंप्लीट पूरक कोण कितना का होता है? 90 का, और यह दिया है 63 का ही, तो 63 में से माइनस कर देंगे कितना जाएगा? 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो यह जाएगा आपका 27 डिग्री का। तीसरा है 57 डिग्री का, 57 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 में से इसको क्या करेंगे? माइनस 57 डिग्री, 57 डिग्री को माइनस कर दो तो 90 में से 57 को माइनस करेंगे कितना जाएगा? 33 डिग्री। तो ये देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था कि प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए, तो 20 डिग्री का हमने पूरक 70 डिग्री, 63 डिग्री का पूरक 27 डिग्री और 57 डिग्री का पूरक 33 डिग्री हमारा आंसर हो गया, ठीक है? अब इसमें एक और है, दूसरा कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का सम पूरक, तो सम पूरक कोण जानते हैं कितना का होता है? देखो इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें भी तीन प्रश्न हैं, पहले आप जानिए समपूरक, ठीक है, कि समपूरक कितने का होता है, ओके? समपूरक कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। पूरक 90 का और समपूरक 180 का, जो कि आपको पहले से समपूरक दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे दिया गया कोण है, दिया गया कोण है, ठीक है? अब क्या करेंगे देखिए, पहला 105 डिग्री का समपूरक कोण निकालना है, तो लिखेंगे 105 डिग्री का समपूरक कोण,
105 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस कितना, 180 माइनस 105, घटाएंगे 180 में से 105 कितना आएगा, यह जाएगा 75, यानी 75 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद 87 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 87, 180 में से 87 को जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, यह जाएगा 93 डिग्री। ओके, तीसरा 154 डिग्री का निकालना है तो लिखेंगे 154 डिग्री का संपूरक कोण, तो 154 डिग्री का संपूर्ण कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 154, तो 180 में से 154 को माइनस करेंगे कितना जाएगा, 26 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कोणों के निम्नलिखित युग्म में से पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक पृथक पहचान कीजिए। देखिए इसमें पूरक भी है और संपूरक भी है, इन दोनों को जोड़ जोड़ करके आपको पहचानना है कि कौन इसमें पूरक होगा, कौन संपूरक, कौन पूरक, कौन संपूरक, ये आपको बताना है। तो पहले ना देखो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ आपको बात बता देते हैं। सबसे पहले यदि दोनों कोणों का जोड़ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि एक कंसेप्ट को पढ़ लो, यदि दोनों कोणों का जोग 180 डिग्री हो तो, 180 डिग्री हो तो वो क्या कहेगा, वह क्या कहलाएगा, संपूरक, संपूरक कोण कहलाता है। ये तो आपको याद होना चाहिए, कहलाते हैं। ओके, और यदि दोनों कोणों का जोग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, ये बात है। ठीक है, यदि दोनों कोण का जोग 180 हो तो संपूरक कोण कहेंगे, और यदि दोनों कोणों का जोग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाएगा, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन फर्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न है कि 65 डिग्री और 115 डिग्री, अब ये कौन से कोण कहलाएंगे, तो क्या करेंगे हम, देखो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 65 प्लस 115 कितना डिग्री हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे, डिग्री यहाँ पर लिखना नहीं भूलिए, दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, तो 180 आ गया, तो हम इसलिए इसको क्या कहेंगे, यह संपूरक कोण का युग्म है, लिखेंगे यह संपूरक कोण है या युग्म है, लिख देंगे आंसर। ओके, 63 और 27 डिग्री दूसरा है, 63 डिग्री और 27 डिग्री इनको क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, 63 डिग्री और 27 डिग्री दोनों को ऐड करें कितना जाएगा, 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री किसको बोलते हैं, पूरक को ना, तो लिखेंगे यह पूरक कोण है, यह हमारा आंसर। ये हो गया, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा 112 और 168 है, 112 डिग्री और 68 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे, 112 डिग्री 68 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या होता है, या संपूरक कोण है। ओके, चौथा देखो, चौथा है 130 और 50 डिग्री, 130 डिग्री और 50 डिग्री
इन दोनों को ऐड करेंगे, 130 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या कहलाएगा? यह संपूरक, संपूरक कोण है। ठीक है, अब देखिए पांचवा, पांचवा क्या है? 45 डिग्री और 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे, 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री आ गया तो क्या कहलाएगा? यह पूरक, ना पूरक कोण है। ये क्या है? पूरक कोण। छठवा देखिए, छठवा क्या है? 80 डिग्री और 10 डिग्री, 80 डिग्री और 10 डिग्री, तो 80 प्लस 10 बराबर 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री आ गया तो क्या कहलाएगा? यह पूरक कोण है, पूरक कोण है। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ईजी है, बस आप लोग एक चीज याद होना चाहिए कि यदि दोनों कोणों का योग 180 हो तो वह संपूरक कोण कहलाएंगे, और यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाएंगे। इतना आप याद रखते हैं तो फिर आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये आपके सामने 4 है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। भाई साहब पहले आप बताइए, पूरक कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। तो आपको यहाँ पर ऐसा कोण ज्ञात करना है जो पूरक के क्या हो जाए? समान हो जाए। आपको तो कुछ अभी पता नहीं है कैसे बनाएंगे, तो देखो बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले जान दिए कि माना, माना कोण, उसका कोण तथा, माना कोण तथा उसके पूरक का मान, तथा उसके पूरक का मान एक्स। हमने क्या किया, मान लिया कोण और उसके पूरक का मान एक्स है। क्या है? एक्स है। तो आपको पता है कि पूरक कोण में यदि दो कोणों को ऐड करेंगे, क्या होता है? दो कोण को जब ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो पता है हमने कोण को क्या माना था? एक्स। अब देखो कोण हमें पता नहीं है तो पूरक कोण क्या कहता है? जब दो कोणों को ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे, तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। हमने क्या किया, कोण को एक्स मान लिया, तो दोनों का एक्स एक्स कर लेंगे तो एक्स प्लस एक्स 90 डिग्री का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से ध्यान देना, एक्स एक्स 2x बराबर में 90। एक्स में तो क्या कर रहे हैं, गुना, इधर बराबर में आएगा तो भाग करेगा, तो 90 बटा 2 कटा देंगे 45, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 45। अब देखो जो इसका 45 आया तो हम लिखेंगे, अतः अतः 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण अपने पूरक कोण, अपने पूरक कोण, अपने पूरक कोण के समान होगा। ठीक है, देखो पूरक कोण क्या कहता है? पूरक कोण कहता है कि दो गो कोण मिल के वो 90 डिग्री होना चाहिए। 0-0 ऐसे हम मतलब मान कर चले हैं कि यहाँ पर कोई कोण है, यहाँ पर कोई कोण है, जब दो कोण के जुड़ल जाए तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो वही बात यहाँ भी है कि जब एक है 45 और ऐसा ही एक और कोण मिल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो अतः लास्ट में क्या लिखे हम, 45 का कोण जो है अपने पूरा कोण के समान हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण को 45 तरह जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, और 90 आ जाएगा तो फिर पूरा कोण कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी में कहो, देखिए एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए अब जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक तो हमारा 180 होता है, दो कोणों को जो करेंगे तो 180 होना चाहिए। ये तो पढ़े हैं, इसको भी वैसा ही सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो माना कोण तथा, माना कोण एक्स अपने संपूरक के समान है, ऐसे भी ले सकते हो, अपने संपूरक के समान है। ठीक है,
तो क्या होता है संपूरक में, दो कोण के यानी एक्स कोण का मान लिया है एक्स, तो एक्स दो कोण के जोड़ल जाए तो 180 होना चाहिए। तो 2x x 2x बराबर 180, ये गुना कर रहे हैं भाई साहब, इधर आएगा तो भाग कर देगा, कटा दो 90। अब ये देखो बेटा एक्स 90 आ गया, एक्स इजकल टू 90 डिग्री आ गया, समझ गए, एक्स 90 डिग्री, यानी एक्स 90 आया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अतः 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण अपने संपूरक के समान या बराबर होगा, क्योंकि दो वो 90 90 डिग्री के कोण ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 180 आ जाएगा तो अपने संपूरक के समान हो जाएगा। ये हमारा आंसर, समझ में आ गया सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। अब 6 है कि दी हुई आकृति में कोण एक एवं कोण दो संपूरक कोण है, कोण एक और कोण दो क्या है, संपूरक कोण है। यहाँ पर देखो आकृति दिया गया है, यदि कोण एक में कमी आ जाती है, मान लीजिए कोण एक में कमी आ जाती है तो कोण दो संपूरक कोण है, यदि कोण एक में कमी आ जाती है तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा। एक ही बात हम दो बार यहाँ पर लिख लिया, सॉरी, देखो कोण दो संपूरक कोण है, यदि कोण एक में कमी आ जाती है, ठीक है, कोण एक में क्या हो रहा है कमी आ जाती है तो दो में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहे। देखो पहले बात को समझो, यहाँ पर कोण एक है कोण दो है, ठीक है, ये पूछ रहा है यदि कोण एक में कमी हो जाएगा तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण संपूरक ही रहे। देखो इसका जो आंसर होगा, सॉल्यूशन जो होगा, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे यदि कोण एक में कमी की जाती है, यदि कोण एक में कमी की जाती है तब कोण दो के मान में उतना ही बढ़ोतरी होगी, उतना ही सॉरी उतना ही बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, ताकि इन दोनों कोणों का, लिखो इन दोनों कोणों का जोग 180 बना रहे, क्योंकि क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक कोण है। समझे बात को, देखिए समझिए, यदि कोण एक में कमी की जाती है, इसमें कम करेंगे तो इसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, तो कोण दो के मान उतना ही बढ़ोतरी हो जाएगी, समझ में आ गया, जब इसमें कमी होगा तो इसमें बढ़ोतरी होगी, ताकि इन दोनों कोणों का जोग, मान लो कि जब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो क्या होना चाहिए हमारा, 180 बनना रहे, ठीक है, और क्यों बना रहे, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है, जब ये संपूरक कोण पहले से बता दिया गया है, अब इस कोण को घटाएंगे तो इधर बढ़ेगा, अब दोनों को जोड़ देंगे 180 जाएगा, तो बोल देंगे संपूरक कोण ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसे बस आप लोग को समझने के लिए आया था, ये कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां देखो 7 नंबर, कर क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, सम कोण हो। अब ये देखो तो कैसी बात हुआ, संपूरक के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, और आपको पता है कि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, 180 से कम होता है, तब फिर दोनों कितना भी एंगल का रखोगे तो कभी न्यून कोण कभी संपूरक हो सकते हैं, नहीं हो पाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पहला पहला है ना, न्यून कोण हो सकते हैं, नहीं, लिखेंगे पहला के लिए नहीं, क्योंकि क्योंकि बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं होगा भाई, नहीं क्योंकि दो न्यून
कोणों का दो न्यून कोणों का जोग सदैव क्या होता है? सदैव 180 से कम होता है। क्या होता है? 180 से कम होता है, याद रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट, अधिक कोण। अधिक कोण भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 180 से ज्यादा होता है अधिक कोण, तो लिखेंगे क्योंकि दो अधिक कोणों का जोग, अधिक कोणों का जोग कितना होता है? 180 से अधिक होता है, तभी भी नहीं हो पाएगा, अधिक होता है। अब तीसरा बोला है सम कोण। सम कोण देखो 90 डिग्री का होता है, तो एकदम बोले हैं कि हाँ, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि दो सम कोणों का जोग, दो सम कोणों का जोग 180 डिग्री ही होता है। और 180 डिग्री क्या होता है? एक संपूरक कोण भी है, याद रहेगा ना। न्यून कोण क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि न्यून कोण दो कोण को जब ऐड करेंगे तो 180 से क्या होता है? वो कम होता है। और अधिक कोण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अधिक कोण 180 से ज्यादा होता है। और सम कोण क्यों हो गया? क्योंकि 90 डिग्री का सम कोण होते हैं, दोनों को जोड़ देंगे 90 90 180 ही हो जाएगा, इसलिए ये दोनों नहीं हुआ और ये हाँ हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है? देखिए, एक कोण है जो 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका संपूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा अथवा बताइए कि 45 डिग्री के बराबर होगा कि 45 डिग्री से छोटा होगा? आइए हम इस पर बात करते हैं। मैं क्वेश्चन देखने से तो कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पता चलते जाएगा। जब हमें कुछ नहीं पता रहता है तो हम क्या करते हैं? एक्स वाई मान कर चलाते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरक कोण का बात तो किया है, तो पूरक कोण क्या कहता है? कि दो कोणों का जोग 100, दो दो कोणों का जोग 90 डिग्री होना चाहिए पूरक में, तो हमें तो जानते हैं ना, तो यही बात लिखेंगे। माना माना कि पूरक कोण एक्स तथा वाई है। हमने पूरक कोण को क्या मान लिया? एक्स और वाई, इसलिए पूरक कोण क्या हो जाएगा? दो कोणों को जो करेंगे तब ये हो जाएगा 90। हम पूरक कोण क्या मान लिए? एक्स और वाई दोनों को जो करेंगे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक कोण 45 डिग्री से क्या है? बड़ा है। एक कोण जो है 45 डिग्री से बड़ा है, तो मान लेते हैं एक्स जो है ये 45 डिग्री से क्या है? बड़ा है। तो एक्स ग्रेटर देन यानी बड़ा का चिन्ह दिए, 45 से बड़ा है, जो कि आपको दिया है, लिखेंगे दिया है। कहाँ दिया है भाई? यहाँ पर दिया है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो हमें क्या करना है, बताना है कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे। पता है क्या करेंगे? देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो है कि एक कोण जो दिया है एक्स, एक्स बड़ा 45, यानी 45 से क्या है? बड़ा है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, कुछ पता चल रहा है? इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो जानते हो क्या करेंगे? हम दोनों तरफ y को y जोड़ने पर लिख लेंगे। आखिर आप कहिएगा सर दोनों तरफ आप y क्यों जोड़े? देखो x है तो इधर भी y जोड़ दिए, ठीक है, और 45 है तो इधर भी y जोड़ दिए। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर आपने दोनों तरफ y कैसे जोड़ सकते हैं, कहीं तो दिया नहीं है। देखो दोनों तरफ जब कोई भी काम करना होता है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो दोनों तरफ जब भी करना होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, गुना कर सकते हो, भाग कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वर्ग कर सकते हो, जो कि पिछले के साइड में हम सारे चीज़ बताए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सोल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ वाई जोड़ दिया। तब कहें सर वाई जोड़कर आप करें क्या, क्या कर लिए? तो देखो अभी करके दिखाते हैं। हमने क्या किया, देखो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई, ये देख रहे हो एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मान पहले से 90 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 90 लिख सकते हैं। अब समझ में आई बात?
इसका हमने वैल्यू रख लिया। ठीक है, अब देखो, अब ये बराबर का ही साइन समझो। यहाँ पर देखो, जब उच्च क्लास में जाओगे तो यहाँ पर ऐसे दिया रहता है, बराबर का साइन दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। तो कोण में ऐसा मत समझना कि इससे बराबर का ही साइन है, मतलब खाली ग्रेटर यानी बड़ा का ही साइन है, ये बराबर का भी साइन लगा है। तो 90 और इधर आएगा तो ये हो जाएगा 45, अब प्लस में वाई। जब आप क्लास 11th में आएंगे ना, तो ये सारे प्रॉब्लम खत्म होंगे। अभी आप लोग को रटना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन क्लास 11th में सारे चीज़ की जानकारी मिलती है, ये बड़ा बराबर कैसे हम कर दिए। ठीक है, तो 90 में से 45 जाएगा, 45, और यहाँ पर बड़ा के बराबर का साइन रहेगा 45, और ये हो गया वाई। अब ये देखिए, तो y का जो मान आया 45 में, बड़ा आया कि छोटा आया? ये तो बड़ा आ गया। हम क्या लिखेंगे लास्ट में? अतः इसका पूरा कोण, किसका पूरा कोण? y का ना, y का पूरा कोण क्या है? 45 में y छोटा हो गया ना, तो इसका पूरा कोण क्या होगा? 45 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। 45 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। याद रहेगा? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो मेरे से हेल्प ले सकते हो, 8383896119 पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ।